नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोने के बाद अब पेट्रोलियम की खोज में जुटी बिहार सरकार। प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश की संभावना। बिहार की आधी जनसंख्या खेती का काम कर चला रही जीविका। बीपीएससी पेपर लीक मामले में राजस्व पदाधिकारी को लिया गया रिमांड पर। राज्य भर में कोरोना संक्रमण दर में बनी हुई है स्थिरता। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सोने के बाद अब पेट्रोलियम की खोज में जुटी बिहार सरकार। एक तरफ जहां बिहार के जमुई जिले में देश का 44% सोना है और देश के सबसे अधिक सोने के भंडार की खुदाई के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुबंध की तैयारी शुरू कर चुकी है, वैसे में वो दिन दूर नहीं जब बिहार की गिनती प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण राज्यों में होने वाली है, क्योंकि अब बिहार सरकार बिहार में पेट्रोलियम की तलाश में है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य में गंगा किनारे समस्तीपुर और बक्सर जिलों में तेल भंडारण की उपस्थिति का आकलन करने की खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस PEL की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा का हुआ आयोजन। बिहार के हाई स्कूलों में 6421 प्रधानाध्यापकों के पद की नियुक्ति के लिए आज राजधानी पटना के कई केंद्रों पर परीक्षाएं ली गई। बीपीएससी की तरफ से पेपर लीक कांड के बाद यह दूसरी परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे पहले इसी महीने CDPO की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए बीपीएससी की तरफ से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, इस परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ पटना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए 14,885 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके लिए लिखित परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ली गई है। इन तीन जिलों पर है आर्थिक अपराध इकाई की पैनी नजर। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे पी तो रहे हैं, साथ ही इसे बेचने से परहेज भी नहीं कर रहे हैं। बिहार में नशीली पदार्थ की खेती पर भी प्रतिबंध है। इसके बावजूद बिहार के कई जिलों में लोग अफीम की खेती करने से बाज नहीं आ रहे। आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से ऐसे तीन प्रभावित जिले हैं जहां भारी मात्रा में अफीम की खेती की जाती है, जिसमें गया, औरंगाबाद और जमुई शामिल है। ऐसे में पहले से चौकसी बरतने की वजह से इस बार इसकी खेती पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पिछले साल दो जिले औरंगाबाद और जमुई में अफीम की खेती पर कुछ हद तक नियंत्रित हुई है, लेकिन गया के बाराचट्टी और धनगई इलाकों में अफीम की खेती घने जंगल वाले इलाके में की गई है। गया जिले को खासतौर से चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। चकबंदी और भूमि सर्वे को लेकर इन जिलों को बड़ी राहत। मालूम हो कि चकबंदी के जरिए एक परिवार के अलग अलग भूखंडों के बदले उन्हें एक बड़ा प्लॉट उपलब्ध करा दिया जाता है। ऐसे में चकबंदी से जुड़ी एक और अहम खबर निकल करके सामने आई है। दरअसल परिवार बढ़ने और बंटवारे के बाद खेती के लिए उपलब्ध भूखंड का रकबा घटता जा रहा है। खेती के लिए छोटे छोटे भूखंड होने से लागत बढ़ती है और उपज घटती है। बिहार में अब भूमि सर्वेक्षण के बाद ही चकबंदी के लिए अभियान चलेगा। इस समय पुराने शाहबाद और उत्तर बिहार में गोपालगंज जिला के कुछ अंचल चकबंदी के लिए अधिसूचित है। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग धीरे धीरे इन अंचलों से चकबंदी में लगे कर्मियों को हटा रहा है और उन्हें सर्वे में लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले गोपालगंज के एक अंचल को चकबंदी से मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। सोमवार को ऐसा ही आदेश गया जिले के आमस अंचल के लिए जारी हुआ था। प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश की संभावना। बिहार में एक बार फिर से बारिश को लेकर अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिन तक बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट को देखें तो ये बताया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही ठनका गिरने के आसार है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पिछले 36 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना बन रही है। खासकर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधान रहने को कहा है। इस दौरान प्रदेश के अन्य इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। यहां बाईपास की जगह बनेगा 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड। बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीते दिन सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि बिहार की राजधानी पटना के कच्ची दरगाह से अनीसाबाद के बीच बाईपास की जगह 15 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। दरअसल इस क्षेत्र में ट्रैफिक का बहुत बोझ है। एक सर्वे के अनुसार एक दिन में 12,000 से 15,000 वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं और इस दौरान इस रास्ते 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है। ऐसे में यहां की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। NH 30 पर बनने वाला यह एलिवेटेड कॉरिडोर रक्सौल सोनवर्षा की जगह बनेगी, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं इस बैठक में ये भी बात सामने आई है कि दानापुर बेहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिहार की आधी जनसंख्या खेती का काम कर चला रही जीविका। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर अभी करीब 2 करोड़ 82 लाख कामगारों का निबंधन हुआ।
जिसमें एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है। इसमें करीब 1,39,00,000 यानी 49.52% ऐसे कामगार हैं जो कि खेती कार्य से जुड़े होने की जानकारी दे चुके हैं। पोर्टल पर अलग अलग क्षेत्रों के कामगार ने अपना अपना ब्यौरा दिया है, जिसमें पाया गया है कि दूसरे पायदान पर घरेलू कार्य से जुड़े कामगार हैं। इस क्षेत्र के अब तक 41,66,000 कामगारों ने निबंधन कराए हैं। तीसरे पायदान पर निर्माण क्षेत्र के कामगार हैं। इस क्षेत्र के अब तक 28,00,000 कामगारों ने निबंधन कराया है। इसका मतलब यह है कि बिहार में सबसे अधिक कामगार यानी कि कामगार की आधी जनसंख्या खेती से जुड़े काम से गुजारा कर रही है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में राजस्व पदाधिकारी को लिया गया रिमांड पर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे पर खुलासे किए जा रहे। इसी क्रम में बीपीएससी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार को ईओयू ने पूछताछ के लिए 3 दिनों के रिमांड पर लिया है। मालूम हो कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की टीम ने राहुल कुमार को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया था। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार इस कांड में अहम कड़ी है, जिसके द्वारा सच तक पहुंचा जा सकता है। आपको बताते चले कि राहुल कुमार मूल रूप से गया के अतररी के रहने वाले हैं। उनके पिता मधुबनी में दरोगा के पद पर तैनात है। राहुल कुमार को रिमांड में लेने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस अहम सुराग तक पहुंच सकती है। 300 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट हुई तैयार, अब होगी गिरफ्तारी। बिहार के पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने के हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में पुलिस विभाग ने बिहार के करीब 300 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जारी की है और इन 300 अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी गई है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से विशेष तौर पर आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के सभी 1,097 थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्हें जल्द से जल्द दबोचने के लिए जिला स्तर पर तैयार विशेष रज फोर्स को इनके पीछे लगाया जाएगा। अपराधियों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा संख्या मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, अररिया, गया, नवादा और कैमूर जिलों के अलग अलग थानों से संबंधित है। 23 साल की यादों को समेटकर शरद यादव खाली कर रहे हैं बंगला। रालोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बाद अब सरकारी बंगला खाली करने की बारी शरद यादव की है। शरद यादव को अपने दिल्ली का बंगला खाली करना है। मालूम हो कि शरद यादव की राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है। शरद यादव 7 तुगलक रोड स्थित बंगले में पिछले 23 साल से रह रहे थे। यहीं पर रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, सांसद भी रहे। अपनी राजनीति का एक लंबा वक्त उन्होंने इस बंगले में बिताया है, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्हें कई बार बंगले को खाली करने को कहा गया है और अंततः 31 मई को उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया, जिसके बाद ये बंगला अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। शरद यादव के बाद वो इस बंगले में शिफ्ट होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का सवाल, बिहार का विकास कहां और क्यों ठहर गया, इसका जिम्मेदार कौन? बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन प्रेक्षागृह में बाल संसद को संबोधित करते हुए बच्चों को सामाजिक नैतिक संकल्प भी याद दिलाया और कहा कि हमें नया माहौल खड़ा कर विश्व का नेतृत्व करने वाले राज्य और राष्ट्र का निर्माण करना है। पिछले 75 सालों में सिर्फ अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, कर्तव्य का बोझ कम कराया गया। उन्होंने कहा कि धन के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म और व्यवहार से आत्मीय सुख मिलेगा। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक ज्ञान विज्ञान के उद्यम स्थल बिहार में मात्र एक राजेंद्र प्रसाद निकल पाए हैं। ये विकास ठहर क्यों गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? विषयों पर चर्चा के बजाय आत्ममंथन की जरूरत है। संकीर्णता और विकार के कारण ठहरे इस विकास को आगे बढ़ाना है। नए बिहार के निर्माण के लिए हम सभी लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। लाल यादव ने बुलाया महत्वपूर्ण बैठक। बिहार में होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक पार्टियों में खलबली सी मच गई है। सोने पर सुहागा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार में ही मौजूद है। एक तरफ जहां भाजपा के उम्मीदवारों का नामांकन हुआ, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने महत्वपूर्ण बैठक बुला ली। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होनी है। वहीं राज्यसभा चुनाव भी नजदीक है, इसके लिए नामांकन जारी है। राजद के दोनों उम्मीदवार ने नामांकन करवा लिया है, वहीं आज भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन करवाया है। ऐसे में आज लालू यादव के इस महत्वपूर्ण बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य भर में कोरोना संक्रमण दर में बनी हुई है स्थिरता। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता बनी हुई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में संक्रमण दर में कमी आई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 42 है। वहीं राज्य में 54,372 सैंपल की जांच हुई है, जिसके बाद राज्य में 5 नए कोरोना
के मरीज आए हैं, जिसमें 4 राजधानी पटना के और दूसरा सहरसा जिले में कोरोना के एक मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी गुरुवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2338 नए मामले सामने आए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में घटोतरी से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमत घटने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई और डीलर कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज राजधानी सहित बिहार के 3000 पेट्रोल पंप मालिक ने तेल का उठाव नहीं किया। हालांकि पेट्रोल डीजल की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में जारी रही। इनका कहना है कि अचानक 9 से 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया, इससे एक दिन में औसत 12 से 15 लाख का घाटा हो रहा है। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार एक दिन में आंदोलन से लगभग 108 लाख लीटर पेट्रोल डीजल का उठाव नहीं हो पाएगा, जबकि बिहार में हर दिन 750 टैंकर पेट्रोल डीजल का उठाव होता है। पटना के सिपारा में 2, बिहटा और मुजफ्फरपुर में 1-1 डिपो है, जबकि बरौली में 1 रिफाइनरी भी है और यहां पेट्रोल डीजल का उठाव आज ठप रहा। इसकी भरपाई सरकार को ही करनी होगी। गुजरात के सीएम ने की आईपीएल चैंपियन की मेजबानी। रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। टाइटंस की टीम 2008 में रॉयल्स के बाद पहली टीम है जिसने अपने पहले ही सत्र में खिताब जीता। इसके बाद टीम ने बीते दिन सोमवार को गुजरात की सड़कों पर खुले में जमकर खुशी मनाई और अपने फैंस के साथ इसे सेलिब्रेट किया। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी नए आईपीएल चैंपियन की मेजबानी की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आईपीएल 2022 विजेता गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों से बात करने का मौका मिला। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर वाला बल्ला मुझे भेंट भी किया। इससे मिलने वाली धनराशि राज्य की लड़कियों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सभी लड़कियों को बधाई। वहीं आज टीम मुंबई जाएगी, यहां पर टीम के मालिक जीत के जश्न में पार्टी देने वाले हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है दिलीप राम, उत्तम कुमार, उमेश ऋषिदेव, आयुष राज, बाबूलाल मरांडी, नीलम कुमारी, कुलदीप कुमार, कुमार कौशल सिंह, अवधेश कुमार, पिंटू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पिछले 10 से 15 सालों में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है? आपके ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।